ब्रेक के बाद टीटीवी उर्दू के प्रोग्राम स्वासा हेल्थ केयर में आपका दोबारा खैर मकदम है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्नोरिंग और अस्थमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, टॉपिक अभी बाकी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विष्णु रॉय साहब, आप नेशनल अवार्ड विनर हैं इन अस्थमा और साथ ही साथ आप स्वासा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और स्वासा हॉस्पिटल लिबर्टी पे है जो एक एक्सक्लूसिव एलर्जी अस्थमा सेंटर है। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश स्टेट दोनों स्टेट्स में सिर्फ एक ही ऐसा सेंटर है जहाँ पर एलर्जी और अस्थमा का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से किया जाता है। डॉक्टर साहब एक सवाल आया था, प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं उनके लिए अगर अस्थमा का जो अटैक होता है या अस्थमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके लिए क्या है? हम बताएंगे। जब प्रेगनेंसी होता है अस्थमा ऑलरेडी रहता है, प्रेगनेंसी आता है तो क्या होता, प्रेगनेंसी से ये अस्थमा बढ़ सकता है, प्रेगनेंसी के वजह से अस्थमा कम भी हो सकता है कुछ लोगों में जी, प्रेगनेंसी वजह से कुछ चेंज भी नहीं रहता। कुछ लोगों में ऐसा रहता प्रेगनेंसी आने के बाद ये जो ऑलरेडी अस्थमा है वो ज़्यादा हो जाता है। ये इसके लिए क्या करना, प्रेगनेंसी बोले तो सांस आते रहते सही ऊपर से और एक सांस है। बिल्कुल। सो अस्थमा सांस की बीमारी है, प्रेगनेंसी भी सांस फूलते रहते हैं। हाँ, सांस फूलते से दोनों मिलके ये प्रेग्नेंट लेडी को उल्टा पलटा कर देता। बोलो इतना तकलीफ हो जाता कुछ लोगों को, ये प्रेगनेंसी नको बोलते, इतना तकलीफ लेता, मगर ये ज़रूरत नहीं है। सो प्रेगनेंसी में हो, नॉर्मल इंडिविजुअल हो, अस्थमा है तो ऑलरेडी ऐसा रहता जी। अगर ऑलरेडी ऐसा है, बच्ची को शादी हो गया, शादी हो गया, शादी होने के पहले ही अगर अस्थमा है इसको ऐसा करना अच्छा है, है ना? बिल्कुल। सो शादी हो रहा, तैयारी हो रहा है, सही, बेटी को अस्थमा है, बहुत लोग मेरे पास ऐसी आते हैं, डॉक्टर साहब हमारा बेटी बेटी को शादी हो रहा है मगर हमारा बेटी है छींका है, सर्दी है, खांसी है, बलगम है, थोड़ा काम करे तो थक जाती हैं, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकते, काम भी नहीं कर सकते, वजन भी नहीं उठा सकते। अगर ससुराल घर जाने के बाद ये क्या बोलेगा, वो लोग क्या सोचेगा, कुछ रास्ता तो बताओ डॉक्टर साहब बोलते तो सब लोग हमारा बेटी है, दूसरा बेटी है, बेटी तो बेटी होता है। तो वहां जाने के बाद ये लोग तकलीफ उठाने का जरूरत नहीं आना, सही बोले तो पेरेंट्स ये दृष्टि ये लगाना, पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना, बच्ची को बेटी को एलर्जी अस्थमा है, छींका हो रहा, नाक बंद हो रहा, साइनस है, टॉन्सिल्स है, एडिनाइट्स है, खांसी है, बिल्ली जैसा आवाज आ रहा, कुछ भी काम करे तो सांस फूल रहा, बोले तो अस्थमा है तो ऐसा है। अगर ऐसा है बच्ची में, उसका क्या है, वो ग्रोथ भी रुक जाता, वो एज का हिसाब से नहीं दिखता, वो पतला दिखता है, तो लोग क्या बोलेगा, ये क्या बच्ची है, छोटा दिख रहा है, ऐसा ये नजर नहीं आता, बिल्कुल कमजोर है, कमजोर रहता, वैसा रहता, क्यों ऐसा है, बोले तो अस्थमा अगर अनट्रीटेड है, ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इसका बराबर है, अगर पौधे के ऊपर जी, पौधा का ऊपर वजन लगाए तो कैसा रहता, पौधा ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, नहीं बढ़ेगा वो। हाँ, हाँ। जब तक हम वजन को नहीं निकालते तब तक वो ऐसे रहेगा। जब तक अस्थमा को ट्रीटमेंट सही इलाज नहीं मिलता, बोले तो ऐसा नहीं होता, वो बेटी ऐसी रहेगा, इसीलिए ऐसा करना बड़ी बात है शादी के पहले। पहले सही। ओके, शादी होने के बाद प्रेगनेंसी के पहले मालूम हो गया इसको अस्थमा है, प्रेगनेंसी पहले ही ऐसा करना। ओके, प्रेगनेंसी भी आ गया, सो कम से कम अब तो ऐसा करना है जी। तो कुछ लोग क्या बोलते, नहीं प्रेगनेंसी हो गया डॉक्टर साहब, हमारा डॉक्टर बोले कुछ भी ये दवा ये इस्तेमाल मत करो, वो इस्तेमाल मत करो, हाँ, हाँ। तो ये रहते प्रेगनेंसी में वो दवा ये दवा, मगर बड़ी बात ये है जो अस्थमा मेडिसिन है प्रेगनेंसी में वेरी सेफ है। ओके। सो इनहेलर होता है वो खींचने का है, इसमें बहुत वेराइटीज रहता तो सब इस्तेमाल नहीं करना जी। इसीलिए क्या इस्तेमाल करना क्या नहीं करना, वो जिन लोगों में वो सब्जेक्ट मालूम है बिल्कुल वही लोगों के पास ट्रीटमेंट लेना सही, नहीं तो क्या होता गड़बड़ हो जाता। इसीलिए क्या है, इसको जो है ऐसा ये प्रिवेंटर बोलते, ये जो दवा यहाँ काम करता है इसको प्रिवेंटर नहीं तो कंट्रोलर बोलते हम, जो दवा यहाँ काम करता है तो टेम्पररी है। ओके। बहुत लोग आस्थलिन मारते रहते आप देखे होंगे जी, सो पिक्चर्स में देखे होंगे ऐसा मारते रहते, वो है ये रिलीज करते टेम्पररी के लिए।
ये तो गलत ट्रीटमेंट है। सो टेम्पररी ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन है यहाँ काम करना। सो ये इन्हें पूछा है अभी, सो प्रेगनेंसी है क्या है? तो ऐसा करने के लिए इन्हेलर ट्रीटमेंट है, इन्हेलर्स के लिए कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो प्रेगनेंसी पे ये तीसरा महीना हो, कुछ भी हो, सिक्स मंथ्स हो, लास्ट प्रेगनेंट लास्ट मंथ हो, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा करने की है। जब ऐसा करते ना, अंदर जो बच्चा है उसका ग्रोथ भी सही होगा। नहीं तो अगर अगर मदर का ब्रीथिंग सिस्टम ऐसा है, उसको खुद ऑक्सीजन बस नहीं होता, बच्ची को क्या जाएगा? हाँ। तो इसीलिए क्या होता, बच्ची का जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगा। इसीलिए क्या है, उसको ये अबॉर्शंस भी होता है। अगर आस्थमा को सही इलाज दे दिया तो पूरा कंट्रोल पे लाया, सो मदर को सही ऑक्सीजन मिलता है और अंदर के बच्चे का ग्रोथ भी सही तरीका से बराबर होता है। नहीं तो क्या होता, मदर को प्रॉब्लम है, अंदर बेटी का प्रॉब्लम है, सब लोग को प्रॉब्लम है। बिल्कुल। सो प्रॉब्लम लेने का जरूरत नहीं है। अगर आपका बेटी ऐसा है अभी, तो ऐसा करने का दवा है, ऐसा करने का इनहेलर्स है, ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट लिया तो बहुत आराम मिल जाएगा। बिल्कुल, तो तकलीफ उठाने का जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब ने जैसे अभी कहा कि इसके लिए भी ट्रीटमेंट है, लेकिन एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप जाइए, जनरल फिजिशियन के पास भी जाके आप राय हासिल कीजिए, लेकिन इलाज के लिए एक स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर हैं अस्थमा के लिए, उनसे रुजू हुई है, या फिर आप स्क्रीन पर नंबर है स्वासा हॉस्पिटल का, उस नंबर को नोट कर लीजिए और वहाँ पे जाके डॉक्टर विष्णु राय साहब से भी आप मिल सकते हैं और वहाँ से भी आप कंसल्ट करके अपनी बीमारी के लिए इलाज तलब कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है जो डायबिटिक प्रेगनेंसीज रहते हैं, तो बच्चों को भी डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आस्थमा लेडी को आता है, तो क्या बच्चे को भी आस्थमा होने के फ्यूचर में चांसेस ऐसा कुछ है? ये तो बहुत बड़ी क्वेश्चन है। तो अभी क्या है, देखो फादर को भी एलर्जी रहते हैं, रह सकते हाँ, फादर को भी एलर्जी रह सकते, छीका रह सकते, साइनस रहते, खांसी, बलगम, कुछ खाए तो कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट खाए तो खांसी ज़्यादा होना, मौसम बदले तो खांसी होना, ये सब एलर्जी का लक्षण है। ये मदर को हो सकते, फादर को भी हो सकते। अगर मदर को प्रॉब्लम है, बच्चे को आने का चांसेस रहता है, सो 50% चांसेस रहता जी। अगर फादर को भी है, सो 100% आने का चांसेस रहते। सो मगर ये मदर का जब ये आस्थमा रहते हैं, पहले उसको ट्रीटमेंट देना। बाद में ये डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या, प्रेगनेंसी टाइम पे मदर को अगर आस्थमा है, क्या क्या हम बोले तो प्रिकॉशंस लेना है जी। बोले तो उसको जो चीज नहीं बनता वो नहीं लेना। सपोज पल्ली खाते हैं, पल्ली नहीं बनता तो मत खाओ। हाँ। वैसा कुछ फ्रूट नहीं बनता आपको, एक फ्रूट लिया तो इतना आस्थमा आता, बहुत आता आस्थमा, मत ले। कुछ फूड खाया तो आपको बहुत आस्थमा होता, मत लो। जो खाए तो आपको तकलीफ होता है, बच्चे में आने का चांसेस रहता है अगर बार बार आप लिया तो। अगर आप डस्ट को एक्सपोज हो गया जी, बहुत आस्थमा आता है, तो थोड़ा दिन डस्ट का काम बंद करो। ओके। अगर बिल्ली है घर में, नहीं तो कुत्ता है, उससे भी आस्थमा आता है, तो दूर रहना जी। तो वैसा पहले हम प्रिकॉशंस लेना है, बिल्कुल। जो चीज नहीं बनता, जो हमको डस्ट नहीं लगता, उससे दूर रहना एक बात है, और प्रेग्नेंट और डिलीवरी होने के बाद हम क्या क्या करते। कुछ लोग ऐसा है, सामरानी लगाते, अगरबत्ती लगाते, ऊद लगाते जी। कुछ ये है वो है वो, ऊद लगाते, सब लगाते, कुछ भी जो स्मेल स्मोक है, स्मोक इज इक्वल टू पोल्यूशन, वो अगरबत्ती हो, ऊद हो, वो कुछ भी हो जी, जी। ये स्मोक नहीं लगाना बच्ची को पैदा होने के बाद बच्ची को अच्छा ये एक क्लॉथ में अच्छा कवर करना, ये फैन के नीचे नहीं रखना ऐसा। ओके। कुछ लोग ऐसा करते, डिलीवरी हो गया, बच्ची को लाके वहां डालते, वहां डालते और ज्यादा फैन लगाते, इतना फैन लगाते, पांच में लगाते जी, बच्ची को कवर भी नहीं कर सकते सही, ये बच्ची को आस्थमा आने का चांसेस रहता। ओके। तो इसीलिए ये बच्ची के लिए पहले हम गर्मा गर्मा प्लेस को ढूंढना, तो फ्रेश क्लॉथ्स में रखना ऐसा उसको, रखना उसको क्लीन करना, उसका देखभाल करना, बिल्कुल। और उसके सामने अत्तर नहीं मारना, नहीं। उसके सामने परफ्यूम नहीं मारना,
तो परफ्यूम अत्तर का शौक कितना है हमको मालूम है। बिल्कुल, ये बच्ची को कितना भी कुछ भी बहुत अच्छा परफ्यूम है डॉक्टर साहब, ये अच्छा इतना अच्छा स्मेल आता है, कुछ भी जो स्मेल आता है वो पोल्यूशन है, कुछ भी हो, कुछ भी बहुत अच्छा स्मेल आता है, अच्छा पोल्यूशन है। सो बच्ची के लिए दूर करो उसको, मदर में आस्थमा है, फादर में आस्थमा है, उसके सामने आप कभी भी परफ्यूम मत लो, उसके सामने अत्तर कभी भी मत लो, नहीं तो आप बच्चे को आस्थमा गिफ्ट दे रहे हैं आप। तो वैसा ये पूरा चीज नहीं मालूम लोगों को। बिल्कुल, तो इसीलिए जब मदर का फादर का नहीं तो उसका मदर का उसका फादर का अगर ऐसा है तो बच्चे को भी ऐसा होने का चांसेस रहते, इसका चांसेस जीन्स, एक जीन्स तो है। बिल्कुल, जीन्स के साथ साथ परफ्यूम हो, अत्तर हो, डस्ट हो, नहीं तो कुछ खाने का चीज हो, कूल ड्रिंक हो, आइसक्रीम हो, जी कुछ भी हो, घर में जो इंडोर पोल्यूशन है, सो सब ये डिओड्रेंट्स हो, कुछ भी जो स्मेल आता है आस्थमा को ज्यादा करता है। इसीलिए जब बच्चे पैदा होता है ये पूरा हम प्रिकॉशंस लेना है, मदर को जब प्रेगनेंसी पे है तब भी प्रिकॉशंस लेना, बिफोर मैरिज प्रिकॉशंस लेना, मैरिज के बाद प्रिकॉशन लेना, प्रेगनेंसी टाइम से कम प्रिकॉशन लेना, डिलीवरी टाइम के प्रिकॉशन लेना, डिलीवरी के बाद बच्चों को भी प्रिकॉशन लेना। जब ऐसा लेता है आस्थमा आने का चांसेस बहुत कम हो जाता, नहीं तो क्या होता है हम अत्तर मारे, परफ्यूम मारे, ऊद लगाए, पूरा इंडोर बिल्ली है, कुत्ता है, पूरा घर पूरा डस्ट है, तो आस्थमा आने का चांसेस बहुत रहता। इसीलिए अगर हम थोड़ा एग्जॉस्ट फैन लगाए, घर को ऐसा क्लीन करें अच्छा, कम से कम उसका जो बेड है उसका सो आजू बाजू चीज है वो अच्छा क्लीन रखे तो आस्थमा आने का चांसेस जो है बहुत कम हो जाते। ओके, तो सब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, द फूड विच वी इनटेक क्या उससे भी स्नोरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं? बिफोर द फूड विच वी इनटेक जो खाने पीने की जो आदतें होती हैं, ये भी अच्छा है बोले तो, ये खर्राटे सब लोग को आ रहे हैं मगर ट्रीटमेंट क्या है? बिल्कुल यही है ना। हाँ, खर्राटे आते क्यों? बहुत लोग बहुत खाते रहते, दिन भर खाते रहते, अभी तो पूरा मिडनाइट भी खा रहे, मिडनाइट बिरयानी बोले, बिरयानी पूरा रात दिन खाते रहते। तो जब हम खाते खाते इतना वजन हो रहा है, हमारा ऊपर बोझ पड़ रहा है, ये लोग ऐसा हो जा रहे हैं, तो ये लोगों को खर्राटे ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, पहले जो खाने का चीज है वो नेचुरल फूड रहना, नेचुरल फ्रूट्स बोले तो वेजिटेबल्स ज्यादा खाना, फ्रूट्स ज्यादा खाना, अगर एग लिया था एग ले सकते हैं, चिकन लिया बॉइल्ड है तो वैसा तंदूरी जैसा है वैसा ले सकते हैं, मगर वो बिरयानी के साथ मत ले। अगर जब हैदराबाद में आधा खर्राटे मेरे ख्याल से बिरयानी से आ रहे, बिरयानी इतना कैलोरीज देता है, बहुत कैलोरीज देता है, ये पूरा जो नेक ओबेसिटी आ रहे है लोगों को। बिल्कुल, और बिरयानी में क्या क्या मिलाते हैं, पूरा ये मसाला, वो एडिटर मसाला, ये सब गैस ट्रबल होते रहते। जिन लोगों में खर्राटे होते हैं वो लोगों में गैस ट्रबल ज्यादा होते हैं, गैस ट्रबल और खर्राटे दोनों मिलके आदमी को परेशान करते हैं, ये बिरयानी से और ज्यादा होते हैं। इसीलिए ये बिरयानी कम खाना है। गोश्त का बिरयानी जो है सबसे बड़ा डेंजर है, मटन इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, कुछ भी हो मटन जो है ना, गोश्त वो डेंजरस चीज है। अगर खाए फिश है, फिश थोड़ा अच्छा है, ये गोश्त कंपेयर करें तो, चिकन थोड़ा अच्छा है, मगर ये बिरयानी के साथ मत लो। लिए तो भी थोड़ा ले, मगर हम जो लेते हैं इतना लेते हैं वो खर्राटे ज्यादा हो जाएगा। और रात में सोने के टाइम के पहले अगर खाना, जिन लोगों में खर्राटे हैं 7 बजे 8 बजे के अंदर खाना लेना, अर्ली मील्स 6-7 o'clock को दुकान बंद, अच्छा सो नहीं खाना। अगर बाद में आपको खाना है, दिल लगता है, एक एप्पल खाओ, एक फ्रूट खाओ, थोड़ा थोड़ा कुछ भी खाओ, मगर ज्यादा नहीं खाना। ये लोगों क्या है, रात में बिरयानी खाते उसके साथ साथ अल्कोहल लेते, उसके साथ साथ पान खाते, पान।
सब लोग, यहाँ नहीं पूरा लोग, दुनिया में लोग सो इतना अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल से ये जो खर्राटे हैं बहुत ज्यादा होता, स्मोकिंग भी ज्यादा करे तो खर्राटे ज्यादा होता, अगर पान जी ये सब खाए तो भी खर्राटे ज्यादा होता। इसीलिए अगर हम खर्राटे को ट्रीटमेंट करना है, पहले आदमी का दो आदत है वो बदलना चाहिए, बोले तो जो क्या खा रहे हम, कितना खा रहे, कब खा रहे, क्यों खा रहे, ये सोचना पड़ेगा। सो वेजिटेबल्स लेना है, फ्रूट्स लेना है, कम से कम लेना है। जब आपको भूख लगता है तभी ले लो, जब आपको भूख खत्म होता बंद करो, बंद करो। सही। अरे वेस्ट हो रहा बोल के पूरा खाते हैं, वो डेंजर है। घर में औरत रहते जी, ये मर्द लोगों के पकाते ना, हाँ। ये वेस्ट हो जाता बोलते खाते, सही। ये पूरा डेंजर है। लेडीज में जो वजन ज्यादा होता है, मेन प्रॉब्लम यही है, वेस्ट हो रहा बोलते खाते। सही। वो नहीं खाना कभी, थोड़ा कम पकाओ, कम पकाना बिल्कुल। तो अगर कम पकाए तो बस नहीं हो तो इन्हें गड़बड़ करता है तो कम खाना अच्छा है बोल के आदमी को बोलना जरूरत है। कम खाना, कितना कम खाओ उतना अच्छा है। कम खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, ज्यादा बार खाओ वो है, मगर एक ही बार इतना इतना खाना बहुत बुरा आदत है। तो वो है। और क्या है, अल्कोहल मना है, जो जलमे में खर्राटे हैं अल्कोहल मना है, स्मोकिंग मना है, और गुट का पान मसाला जो है वो भी मना है, और कम से कम वॉकिंग तो करो जी। एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको वजन है 80 kg है, आप रहना है 65 है, 15 kg आप एक्स्ट्रा है, उसके लिए क्या करना आप सोचो। आप सही। अगर लोगों को यही डाउट आता है मेरे को कितना वजन रहना, बिल्कुल, तो सिंपल फार्मूला मैं बताता हूं। अगर आपका हाइट क्या है, देखो मेरा हाइट है 186 सेंटीमीटर, ओके, उससे 100 निकालो, ओके, 86, तो मेरा वेट है 85, तो उसके अंदर रहना। 86 है तो कोई बात नहीं, okay. एक केजी इधर उधर कुछ बात नहीं, सही। मगर 86 के जगह पे अगर 100 केजी रहा समझो तो खर्राटे आने का चांसेस रहते। अगर एक आदमी 165 सेंटीमीटर है, उसको 100 निकालो तो 65 केजेस रहना वो। अगर उसका वेट है 90 kg तो खर्राटे तो आता ही है, सही। तो डॉक्टर साहब के पास आके, डॉक्टर साहब मेरे को बहुत खर्राटे आते हैं, तो पहले वजन कम कर लो आप लोग। अगर वजन के वजह जो है, अगर एलर्जी आस्थमा है, उसके साथ साथ साइनस है, क्या बोलते टॉन्सिल है, एडिनाइट्स है, खांसी है, बलगम है, कुछ चीज खाए तो ज्यादा खांसी होता है, मौसम बदले तो आपको खांसी होता है, सर्दी होता है, तो आस्थमा रहने का चांसेस भी है। इसको भी हम ट्रीटमेंट करके ऐसा करना, तो ट्रीटमेंट करना साथ साथ वजन भी कम करना, ये खाना भी कम करना, एक्सरसाइज ज्यादा करना, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना। जो लोग हैं जो बैठते हैं दिन में 10 घंटा 12-11 घंटा बैठते रहते, बैठने लोगों में हार्ट अटैक आने का चांसेस ज्यादा रहता। इसीलिए तुम कहां भी बैठो, इधर उधर फिरते रहो, 10 मिनट तो फिरते रहो, सही। सो एक ही टाइम कंटिन्यूअसली ज्यादा देर मत बैठना, बिल्कुल। सो एक है वो, कम से कम 15 मिनट वॉकिंग करो तो भी अच्छा है सेहत के लिए। तो ये प्रिकॉशंस लिए, तो वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़े हो, पहले एक्सरसाइज करना, और खाना जो है उसके ऊपर हम दृष्टि लगाना, हम क्या खा रहे क्या नहीं खाना वो तो लगाना है, और उसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट है, जिन लोगों में एलर्जी आस्थमा रहता है ऐसा करने का ट्रीटमेंट भी लेना है। अगर ये सब चीज एक ही साथ लिया तो वो आदमी को ये खर्राटे आने का चांसेस पूरा कम हो जाएगा। अगर ये पूरा करने के बाद भी खर्राटे आ रहे जी, तो मिशन लगाते एक, अच्छा, वो सीपैप बोलते, बोले तो आदमी को सीपैप ऐसा मिशन लगा के, ये हवा जोर से, साइकिल पंप कैसा मारते हैं ऐसा हमको हवा मारना पड़ेगा, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, हाँ, इनहेल करने के लिए, तो बंद हो जाता, तो इसके ऊपर मिशन लगा के पंप करते रहता, मगर वो पंप कितना दिन करेगा, कितना रात आप मिशन फेंकेगा, सही, तो वो अच्छा नहीं है। उसके जगह हम क्या करना, हम वजन कम करना अच्छा है,
खाना कम करना अच्छा है और ट्रीटमेंट सही लेना अच्छा है, नहीं तो मिशन लगाना पड़ेगा। कुछ ऑपरेशंस भी है मगर ये पूरा इतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते हैं सब। अच्छा रिजल्ट्स जो देते हैं वजन कम करना और ये जो खाना जो है वो कम कर, लाइफस्टाइल, या लाइफस्टाइल चेंज करे तो आदमी बहुत अच्छा हो जाएगा। सर डॉक्टर साहब ये जो है अस्थमा है इसके अंदर एक प्रॉपर अवेयरनेस भी नहीं है, आपने एक किताब लिखी है स्वासा, आप देख सकते बारे में कुछ बता देख सकते हैं आप तेलुगु में, क्या फायदा हो सकता है? तेलुगु में है, तेलुगु लोगों के लिए अगर ये बुक पढ़े तो लोगों को एलर्जी अस्थमा खर्राटे क्या होता है मालूम हो सकता जी। इंग्लिश में भी है ये जो है, इंग्लिश में भी है और ये जो है उर्दू में भी, उर्दू पर्टिकुलरली फॉर ओल्ड सिटी पेशेंट्स। अभी ये स्वासा फाउंडेशन के तरफ से हम फ्री दे रहा है, जो लोगों ने हॉस्पिटल को आता है ये बुक फ्री में हासिल कर सकते, वो जाके पढ़ना है, पढ़ के क्या करना है दूसरा लोगों को अवेयरनेस देना है। तो ये बुक एलर्जी अस्थमा बच्चों में क्या क्या ये प्रिकॉशंस लेना है, टीनेजर्स में क्या प्रिकॉशंस लेना है, प्रेगनेंसी वुमन में क्या प्रिकॉशंस लेना है, खर्राटे के लिए क्या लेना है, वैक्सीन के बारे में क्या लेना है, ये सब इसमें है। तो ये बुक पढ़े तो सब मालूम हो जाएगा। स्वासा फाउंडेशन के वो फ्री हम दे रहे हैं तो अवेयरनेस के लिए। तो 20 साल से ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है स्वासा हॉस्पिटल स्वासा फाउंडेशन के तरफ से हम कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है जी, लोगों को सेहत के बारे में अवेयरनेस देना। बिल्कुल, पहले बीमारी लाना क्यों और ट्रीटमेंट को जाना क्यों, उससे पहले ही उसके पहले ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो क्या खाना क्या नहीं खाना सो ये मालूम करना और एक्सरसाइज कितना करना ये मालूम करना। बिल्कुल, तो हमारा पोल्यूशन तो ज्यादा हो गया, इंडोर पोल्यूशन बढ़ गया, आउटडोर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गया। ये पूरा पोल्यूशन से हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है ऐसा हो रहा, हमारा व्हीकल पोल्यूशन जो है ऐसा हो रहा। सो सब के लिए हम व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम पेपर लाने के लिए पैदल तो जाओ, बिल्कुल सब्जी लाने के लिए पैदल तो जाओ, कम से कम वॉकिंग तो करते रहना। तो इससे हम और क्लीन पानी पीना है और फूड देख के खाना है, बाहर की खाना जी नहीं खाना, घर का खाना जो है वो अच्छा है। सो इसीलिए सो एलर्जी हो अस्थमा हो खर्राटे हो सो उसके लिए ट्रीटमेंट है, बच्चों में बड़ों में औरतों में क्या भी उम्र है इसके लिए ट्रीटमेंट है। सही इलाज ले लो, सही तरीका से हवा ले लो, अच्छा जिंदगी गुजार लो। बिल्कुल, अच्छी जिंदगी जीने के लिए सांस सबसे बड़ी नेमत है, जो आप सांस ले रहे हैं वो। इससे पहले एक कॉलर को शामिल करते हैं आखिरी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना सवाल पूछिए। जी मेरे हस्बैंड को भी एलर्जी है। कैसा रहता जी एलर्जी बोले तो? क्या छींका होता है? ठीक होता है जी, ठीक ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, रूटीन अच्छा है, वॉकिंग करते। क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं? ज्यादा खाने के भी नहीं है। हाँ, ट्रीटमेंट ले रहे हैं कुछ? कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं आप फिलहाल? नहीं अभी तक तो बच्चे नहीं, उनको अच्छी बात है। ठीक है, इंशाल्लाह कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। या, या। वक्त भी काफी कम है प्रोग्राम का, डॉक्टर साहब आपको तो देखो ये छींका है जी, इतना छींका आता है लोग को, ये क्या जिंदगी है बोल के सोचते, सही उड़ते उड़ते छींका। हाँ, तो इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। ये पहले नाक में ही एलर्जी शुरू होता है, नाक में छींका से शुरू होता है, यही एलर्जिक राइनाइटिस बोलता है। ये ऐसा साइड को आता है, ये साइनसाइटिस बनता है। Okay. यही अंदर जाता है, टॉन्सिल्स एनलार्ज होता है, एडेनाइट्स भी एनलार्ज होता है, इससे ही फेरिंजाइटिस बोलते हैं, यही और नीचे गए तो लैरिंजाइटिस बोलते हैं, इससे और नीचे गए तो ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है।
सो एलर्जिक राइनाइटिस टू आस्थमा, सो एक ही बीमारी है। इसका पहले पहले है छीका है, छीका बोले तो इसका नाक जो है अब ऐसी है जी, बोले तो इन्फ्लेमेशन बोलते, कुछ भी डस्ट लग गया छीका, कुछ भी वेदर चेंज हो गया छीका, कुछ भी पोल्यूशन में गया छीका, परफ्यूम लगाए हेडेक आते हैं, छीका आते हैं, मगर उसके लिए नेसल स्प्रेस अवेलेबल है ऐसा करने का, ये इन्फ्लेमेशन बोलते, इन्फ्लेमेशन बोले तो एक तरीका का जख्म है अंदर जी, जख्म अंदर, ये जख्म के लिए ये ट्रीटमेंट है ऐसा करना जी। सो नेसल स्प्रेस है, टैबलेट्स है, उसके साथ साथ उसको साइनस है, फेरिंजिटिस है, लैरिंजाइटिस है, आस्थमा है, वो भी देखना पड़ेगा बिल्कुल, वो पूरा देख के एलर्जी किस चीज से हो रहा है, आस्थमा है नहीं, अगर है तो क्या स्टेज पे है, सही। पूरा मिला के ट्रीटमेंट दिए तो अच्छा है बिल्कुल, नहीं तो क्या होता इधर काली यही ट्रीटमेंट यहाँ यहाँ देख के ट्रीटमेंट देते वो काम नहीं करता। तो बोले तो एक पौधे है समझो, लीफ एक एक लीफ को एक एक ड्रॉप का ट्रीटमेंट डाल तो क्या फायदा, रूट को देना सही है, जड़ को ट्रीटमेंट देना, जड़ को ट्रीटमेंट दिया तो पूरा ये श्वासा सो ब्रीथिंग सिस्टम है ऐसा हो जाएगा, नहीं तो क्या है इसका ट्रीटमेंट दे दो, कुछ लोगों को खुजली रहता है आंखों में यहाँ ट्रीटमेंट देते, कुछ लोगों को स्किन एलर्जी रहते हैं खाली स्किन ये एलर्जी का ट्रीटमेंट रहते, कुछ लोगों को छीका है खाली नाक को ट्रीटमेंट करते, कुछ लोगों को खांसी है सांस फूलता बलगम है कहीं यहीं ट्रीटमेंट देता, पूरा मिला के ट्रीटमेंट देना बिल्कुल। ये एलर्जी आंखों में रहता एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस बोलते, यहाँ रहता एलर्जिक राइनाइटिस बोलते, स्किन में रहता एलर्जिक डर्माटाइटिस बोलते, लंग्स में रहते एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोलते, और इंटेस्टाइन्स में रहते वो तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एलर्जी बोलते जी। तो ये पूरा कहाँ भी एलर्जी आ सकते, मगर पूरा एलर्जी को एक ही मेन रहता वो मेन बंद करना, मेन बंद करना है। हम क्या कर रहे हैं एक एक बल्ब को बंद कर रहे हैं जी, जी। एक एक बल्ब को बंद करे तो कैसा, दूसरा बल्ब तो होते रहता, हाँ, तो पूरा मेन बंद करना, तो मेन बंद करने के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि जनरल फिजिशियन के पास। आप जाने के बाद टाइमिंग आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद या कुछ दिनों के बाद फिर से शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि रूट कॉज पे अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो फिर उसको एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट मिल सकता है। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम सलाम, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है, अपना सवाल पूछिए। मम्मी को ना लंग्स में इंफेक्शन हो गया, तो सर्दियों में तबीयत बहुत खराब थी दिल्ली के बारे में, क्या होता जी? जी क्या होता, बोले तो लंग में इंफेक्शन हो गया, वो उसका सिम्टम्स क्या रहता, खांसी रहता बलगम रहता, डॉक्टर बोले ऑक्सीजन लेना, उनके बोले तो उसको थोड़ा चले तो सांस फूल रही, आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा चलने से सांस फूल रही आपके वालदा की? सांस फूल रही थी, थोड़ा मोटे भी है, शुगर है, बीपी है। तो ये क्या है बोले तो ये ठीक है इंशाल्लाह, ये लंग इन्फेक्शन ज्यादा है जी। सो ये इसके लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, इसका जो है लंग्स ऐसा बंद हो गया, इसमें इन्फेक्शन भी आ गया, इसके साथ साथ बीपी है, शुगर है, एज भी बढ़ रहा है, ये पूरा मिला के आदमी को बहुत ये कर देता है। इसीलिए क्या करना, पहले इसको ऐसा करना, बार बार ऐसा नहीं होने के लिए अभी वैक्सीन आ गया, एंटीवायरल वैक्सीन, एंटी बैक्टीरियल वैक्सीन, वैक्सीन दिए तो अगर लोगों में बीपी है, शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर है, अलग अलग बीमारी है, लिवर प्रॉब्लम है, ये लोगों को वैक्सीन का ज़रूरत है। अगर वैक्सीन दे दिया उसके साथ साथ ये भी ऐसा कर दिया तो उसको सांस में दिक्कत चले जाएगा। ओके। एक बार देखे तो मालूम हो जाएगा, क्यों बोले तो ऑक्सीजन का ज़रूरत है, बोले डॉक्टर बोल रहे हैं जी, हाँ। बोले तो सीरियस प्रॉब्लम है, बिल्कुल। फिर भी सही इलाज नहीं हो रहा, ये हो रहा नहीं हो रहा देखना पड़ेगा, और उसको वैक्सीन दिया नहीं दिया वो भी देखना, सही है। पूरा ये ट्रीटमेंट वैक्सीन देना और ट्रीटमेंट करना करे तो अच्छा रहेगा, और उसका सही इलाज दिए तो मेरे ख्याल से अच्छा हो जाएगा जी बिल्कुल।
तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वासा हॉस्पिटल, आप डॉक्टर विष्णु रॉय साहब स्वासा हॉस्पिटल से हैं, स्वासा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारी पेशेंट्स को यहाँ पे एलर्जी और आस्थमा का ट्रीटमेंट मिलता है, और आपका जो स्वासा हॉस्पिटल है वो एक एक्सक्लूसिव एलर्जी आस्थमा सेंटर है इन बोथ ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। सिर्फ एक ऐसा एक हॉस्पिटल है जहाँ पर इसका इलाज किया जाता है, और ये लिबर्टी पे है, यूनिवर्सल बेकर्स के सामने। अगर आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं तो इस जो स्क्रीन पर नंबर है वो नंबर नोट कर लीजिए, और या फिर डॉक्टर साहब का हमारा ये शो आप किसी ने देखना मिस कर दिया है तो आप यूट्यूब पर जाकर स्वासा हॉस्पिटल टाइप कीजिए, वहाँ पे स्वासा फाउंडेशन ये हॉस्पिटल वह सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप TTV उर्दू की वेबसाइट या फिर यूट्यूब पर भी TTV उर्दू मारने से वहाँ पे भी आपको ये शोज मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब के पूरे इंटरव्यूज वहाँ पे हैं दस्तियाब, आप डाउनलोड कीजिए, आप देखिए, इन्फॉर्मेशन आप भी लीजिए और अपने दोस्तों को भी दीजिए जो एलर्जी आस्थमा के पेशेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ये डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल का नंबर शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, अपना कीमती टाइम दिया और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए TTV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।